सरकार, मुर्दाबाद, काले कानून रद्द करो। नमस्कार, स्वागत है आपका द हिंद वॉरियर न्यूज में, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद के आह्वान के बाद अलग अलग जगहों पर किसानों ने रस्तों समेत ट्रेनों पर भी रोक लगा दी। इसी बीच किसानों ने सोनीपत के रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर ट्रैक को पूरी तरह से जाम कर दिया। जब किसान रेलवे ट्रैक पर पहुंचे तो कुछ ही समय बाद वहां पर अंबाला की तरफ से एक मालगाड़ी आ गई, जिसे रोकने के लिए किसान रेलवे ट्रैक पर खड़े हो गए। किसानों को रेलवे ट्रैक से हटाने के लिए जीआरपी और आरपीएफ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने किसानों को रेलवे ट्रैक से हटाने की काफी कोशिश की, लेकिन किसान डटे रहे। ये तस्वीरें आपको भी हैरान कर देंगी। किसानों को ट्रैक पर देख के ट्रेन के ड्राइवर ने समझदारी दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। मौके पर मौजूद किसान नेता ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर सोनीपत में उन्होंने रेलवे ट्रैक जाम किया है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार कृषि कानून वापस नहीं लेगी, तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हरिप्रकाश है जी। जी, जिस तरह से आज भारत बंद है और रेलवे ट्रैक पर किसान आए हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ और हमारा संगठन भी यह कहना चाहता है कि मोदी सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस ले लेने चाहिए, जो कृषि विरोधी और किसान विरोधी और देश विरोधी और जनता विरोधी हैं, ये वापस ले लेने चाहिए। और किसानों को उनकी फसल का एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए और बिजली बिल 2021 जो लेना चाहती है उसको रद्द करना चाहिए और पराली का जो कानून बनाया है वो खत्म होना चाहिए। और मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ, हमारा संगठन भी जोड़ना चाहता है, हरियाणा सरकार ने भी जो भूमि अधिग्रहण के बिल में जो संशोधन कराया है वो पूरी तरह से किसान विरोधी है, उसको भी वापस लिया जाना चाहिए। और खास तौर से जो ऑल इंडिया लेवल के संयुक्त किसान मोर्चा ने जो डिमांड उठा रखी है, ये तीन कृषि काले कानून वापस, बिजली बिल वापस और एमएसपी गारंटी, ये जब तक नहीं होंगे आंदोलन जारी रहेगा। और हमारा संगठन शुरू से ही संयुक्त किसान मोर्चे का एक घटक है और पूरे देश में 22 जिलों 22 प्रांतों में हमारा संगठन इन मांगों को लेकर के आंदोलन कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने यमुनानगर में भी रेलवे ट्रैक पर अपना प्रदर्शन किया। मौके पर मौजूद सभी किसानों ने ट्रेनों को रोक दिया और ट्रैक पर बैठकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसान ने पहले ही भारत बंद का आह्वान कर दिया था, जिसके तहत सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक भारत बंद किया जाएगा, लेकिन इस बीच सभी जरूरी सुविधाओं को जारी रखा जाएगा। अब देखना ये होगा कि किसानों का भारत बंद क्या कृषि कानूनों में बदलाव ला पाएगा। ऐसे ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।